हाय गाइस, विंडो ऑब्जेक्ट का एक मेथड देखेंगे जो कि है ओपन मेथड। दी ओपन मेथड क्रिएट्स अ न्यू सेकेंडरी ब्राउजर विंडो सिमिलर टू चूजिंग न्यू विंडो फ्रॉम दी फाइल मेन्यू। इट रिटर्न्स अ विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग दी न्यूली क्रिएटेड विंडो। इफ दी विंडो couldn't be opened, the returned value is instead null। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोगों के पास एक विंडो होता था जिस पे हम लोग काम करते थे, बट अब हम लोग एक विंडो बनाएंगे, मतलब एक विंडो ओपन करेंगे इस मेथड का यूज़ करके। ये वैसे ही होता है जैसे आप किसी ब्राउज़र के मेन्यू में जाते हैं, फाइल में, देन न्यू विंडो ओपन करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ आपको मिलता है ओपन मेथड के द्वारा, यानी कि ओपन मेथड से एक नया आप विंडो ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। जब ये सक्सेसफुली ओपन होता है तो वह विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, और किसी वजह से अगर नहीं कर पाता है तो ये नल रिटर्न करता है। इसका बेहद ही सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। विंडो लिखना है डॉट ओपन, और बिटवीन पैरेंथेसिस इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, चारों के चारे ऑप्शनल है। आप चाहे तो इनमें से कोई भी मत दीजिए, आपका एक विंडो ओपन होकर आपको मिल जाएगा। लेकिन जानते हैं कि ये चारों पैरामीटर्स क्या हैं और क्या क्या हम लोग दे सकते हैं। सो पहला URL का मतलब ये होता है कि URL इंडिकेट्स द डॉक्यूमेंट टू लोड इनटू द विंडो, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोड करना चाहते हैं वह आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं एज ए URL। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक नया विंडो ओपन करना है जो कि ओपन होना चाहिए Google.com के साथ में या गीकी शोज़ के साथ में, तो मैं यहाँ गीकी शोज़ का URL या फिर Google.com का URL दे दूँगा। या फिर अगर मेरा अपना कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कोई एक ऐसा लिंक है जो कि न्यू विंडो में ओपन हो, तो मैं उस लिंक को यहाँ दे दूँगा। लिंक से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि about.html ऐसा कुछ है, या फिर service.html ऐसा कुछ है, या फिर index.html ऐसा कुछ है, तो आप URL की जगह पर उसको दे सकते हैं डबल कोट के अंदर। दूसरा जो पैरामीटर है वो है नेम। तो नेम में क्या स्पेसिफाई करना, नेम स्पेसिफाइज द टारगेट एट्रीब्यूट और द नेम ऑफ द विंडो। इसमें आप इस विंडो का नाम दे सकते हैं जो कि आपको डोम में काम आएगा जब आप इसको टारगेट करेंगे तब, अदरवाइज यहाँ आप टारगेट एट्रीब्यूट दे सकते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट आप लोगों ने HTML में पढ़ा होगा जिसमें हम लोग ये वैल्यूज़ दे सकते हैं। पहला तो अंडरस्कोर ब्लैंक, जो कि आपका जो पेज होगा वह न्यू विंडो में लोड होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके अलावा आप पेरेंट दे सकते हैं, सेल्फ दे सकते हैं और टॉप दे सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आपको मेरा HTML का प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, उसमें मैंने इसको डिटेल में जानकारी डिटेल में डिस्कस किया है और सभी का एग्जाम्पल भी दिखाया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देखा होगा या फिर आपको पहले से HTML आता होगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा और 2 पैरामीटर्स हैं, फीचर्स और रीप्लेस, तो इसको भी देख लेते हैं। फीचर्स में क्या दिया जाता है, इट इज़ अ कॉमा डिलिमिटेड स्ट्रिंग दैट लिस्ट्स द फीचर्स ऑफ द विंडो, यानी कि आपका जो विंडो है उसमें क्या क्या फीचर होंगे, लाइक उसमें मेन्यू बार होगा या नहीं होगा, स्क्रॉल बार होगा या नहीं होगा, उसका हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, ये सारे फीचर्स होते हैं। तो वह फीचर्स आप यहाँ दे सकते हैं, और फीचर्स मल्टीपल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हाइट दिया तो आप विड्थ नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मोर देन 1 फीचर दे सकते हैं और सभी को कॉमा से सेपरेट करना है और सभी को मिलाकर डबल कोट के अंदर में लिखना है। अब क्या क्या फीचर हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल रीप्लेस देखते हैं। रीप्लेस इट इंडिकेट्स वेदर और नॉट द URL स्पेसिफाइड शुड रीप्लेस द विंडोज़ कंटेंट, यानी कि जो URL आपने स्पेसिफाई किया है वह विंडो के कंटेंट को रीप्लेस करेगा या नहीं करेगा, वह आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। दिस वुड अप्लाई टू अ विंडो दैट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, जो पहले से क्रिएट किया गया है उसमें यह अप्लाई होगा, और वैल्यू कैन बी ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया विंडो बनाया है, where new window equal window.open, इस पर मैंने URL दे दिया है geekyshows.com। इसका मतलब ये है कि जब भी विंडो ओपन होगा, लोड होगा, तो geekyshows.com के साथ लोड होगा, और मैंने यहाँ सेल्फ लिखा हुआ है जिससे कि ये अपने ही विंडो में लोड होगा। ठीक है, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और ये अपने सेल्फ में ही ये लोड हो जाएगा। इसका मैंने हाइट दे दिया है 100, कॉमा देकर मैंने विड्थ दे दिया है 100, यानी कि 2 फीचर्स दिया है मैंने, एक नेम दिया। देखिए ये हमारे URL का पैरामीटर हो गया ये वाला, देन ये वाला हमारे नेम की जगह में है जो कि यहाँ एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम लोगों ने फीचर दिया और रिप्लेस हम लोगों ने नहीं दिया। क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी मत लिखिए, आपको एक ब्लैंक विंडो क्रिएट करके ये देगा। और आप चाहें तो यहाँ चारों पैरामीटर लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है वायर न्यू विंडो window.open और यहाँ डबल कोट देकर मैंने यहाँ URL स्पेसिफाई नहीं किया और यहाँ पर मैंने नेम भी स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पर टारगेट भी स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ मैंने लिख दिया सिंपली इसका फीचर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये ऐसा लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ऐसा आप डबल कोट्स ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसा जब डबल कोट आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका न्यू टैब में ओपन होगा, लेकिन न्यू विंडो अगर आपको ओपन करना है तो आपको इस तरीके से URL की जगह में ब्लैंक डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक छोड़ दीजिए, बट ये आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो विंडो है वो न्यू टैब में ओपन होगा रदर देन एक सेपरेट विंडो। अब मान लीजिए कि उस विंडो में कोई कंटेंट आपको लिखना है तो उसके लिए आप सिंपली डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे, न्यू विंडो में डॉक्यूमेंट राइट कर दो हेलो है जी, तो आपका जो न्यू विंडो ओपन होगा उसमें ये कंटेंट लिखा हुआ आएगा। इन सभी का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले फीचर्स कौन कौन सा है और हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सो फीचर्स का पूरा एक टेबल है और बहुत सारे फीचर हैं, इनमें से कुछ गूगल क्रोम में काम करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ फायरफॉक्स में काम करता है तो कुछ गूगल क्रोम में काम नहीं करता, कुछ गूगल क्रोम में काम करता है तो कुछ फायरफॉक्स में काम नहीं करता। सो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अभी तक स्टैंडर्ड नहीं है, सो इन सब का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये फीचर है और भी है और यहाँ ये भी है। सो इतनी सारे फीचर्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ मैंने सबका वैल्यू और सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है, आप इसको टेस्ट करेंगे कि कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है, बिकॉज मैं सब कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है बहुत पहले ही, इनर हाइट इनर विड्थ आउटर हाइट आउटर विड्थ एकदम स्टार्टिंग में विंडो वाले में। सो यहाँ ये चार तो क्लियर है, अभी हम लोगों ने विड्थ और हाइट सॉरी हाइट और विड्थ हम लोग देख लेंगे और कुछ चीज़ें इसमें देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी यानी कि फीचर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस लिंक में जाइएगा, ये MDN का लिंक है मोजिला का, यहाँ से आपको और बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी। बिकॉज मैंने यहाँ सिर्फ शॉर्ट में टेबल के फॉर्म में बताया, बट यहाँ आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी कि टूल बार से होता क्या है, येस लिखेंगे तो क्या होगा, नो लिखेंगे तो क्या होगा। तो वहाँ पर इस लिंक में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। ओके, सो ओपन के बारे में जानकारी लेंगे, देन हम लोग इसके बाद क्लोज भी देखेंगे। सिंपल से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक न्यू विंडो ओपन करने की जो कि ब्लैंक हो। सो ब्लैंक अगर आपको ओपन करना है तो आप सिंपली लिखिए विंडो डॉट ओपन और इसमें पैरेंथेसिस, इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे इसको पेस्ट करेंगे ये साथ में एक नया विंडो भी आपको ओपन करके दिखाएगा न्यू टैब में। ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है एक विंडो ऑब्जेक्ट, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ इसको न्यू विंडो। अगर इसको आप डिस्प्ले करेंगे, लाइक मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी इसको करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट विंडो आई गेस। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट विंडो मिल रहा है। अब यही चीज़ आप इवेंट में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इवेंट में रखना चाहते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बटन बना देते हैं हम लोग और जो बटन पे क्लिक होगा क्रिएट न्यू विंडो हमारे बटन का नाम है और इस बटन में हम लोग जो जनरल चीज़ें होती हैं उसको दे देते हैं। टाइप हमारा बटन होगा और इसमें एक आईडी दे देता हूँ इसको टारगेट करने के लिए BTN। यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे, क्रिएट विंडो इसका नाम रखते हैं और सिंपली हम लोग ये कोड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर सिंपली ये जो इवेंट जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है हैंडलर, इसको अटैच कर देते हैं। उसके लिए हम लोग करते हैं इस बटन के साथ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और हमारा जो ID है आई गेस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इवेंट लिसनर हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्लिक इवेंट पर हम लोग इसको टारगेट करेंगे कि जब क्लिक हो तो हमारा क्रिएट विंडो ये जो हैंडलर है ये रन करें। अभी सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो अभी ये विंडो ओपन नहीं होगा, मतलब नया विंडो नहीं बन रहा, नया विंडो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन करके आपको देगा। तो इस तरीके से आप इवेंट भी कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा सभी को आप इस तरीके से किसी बटन से या फिर किसी अदर चीज़ से इवेंट में अटैच कर सकते हैं। मैं इवेंट हटा रहा हूँ, मैं सिंपल से आपको दिखाऊंगा। तो मैंने ये जो है हटा दिया, डायरेक्ट देखेंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से भी इसको और बेहतर बना सकते हैं इस एग्जाम्पल को। सो वैर लिखते हैं, वैर लिखकर न्यू विंडो, हालांकि इसको भी लिखने का सकता नहीं है, बट ये ऑब्जेक्ट स्टोर करना एक अच्छी बात होती है, आपको भविष्य में कभी काम आ सकता है। इक्वल विंडो डॉट ओपन, ये हम लोगों ने देखा था, एक तो ये था, ठीक है। इसको हम चाहें तो अच्छा रहने देते हैं। एक तो ये है जैसे जो कि हमें ब्लैंक क्रिएट करके देता है। इसको अगर अभी आप सेव करते हैं, सेव करके अगर अभी इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको एक ब्लैंक, अबाउट ब्लैंक, इस तरीके से विंडो ओपन करके देता है, बट ये न्यू टैब में। अब इसमें पैरामीटर देना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए कि जब भी ये विंडो ओपन हो तो ये विंडो एक वेबसाइट के साथ या फिर एक लिंक के साथ ओपन हो। तो मैं यहाँ दे देता हूँ https और www.twitter.com। तो ये ट्विटर के साथ ओपन होगा। इसको सेव करेंगे आप, सेव करके अगर आप इसको रन करते हैं तो ये जो है ट्विटर के साथ ओपन लोड होता है। ओके, इसमें आप चाहें तो इसको आप ब्लैंक, चलिए मैं ये काम नहीं कर रहा, ये न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए था ब्लैंक, यही तो प्रॉब्लम है इसमें। कुछ नहीं काम करती है, कुछ नहीं काम करती, कब कैसे रिएक्ट करे पता नहीं, चलिए अभी भी काम नहीं कर रहा। ये आप कुछ देर बाद देखेंगे जब हम इसमें हाइट विड्थ देंगे तो ये वर्क करने लगेगा होपफुली। ओके, सो इस तरीके से है कि आप एक यूआरएल देते हैं तो आपका जो पेज है वो इस यूआरएल के साथ लोड होता है। अगर आप चाहते हैं कि सेम पेज में, यानी कि नया पेज, नया विंडो, नया टैब ना ओपन होकर सेम विंडो में अगर ये हो, तो आपको यहाँ पर ये हटाकर जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसको हटाकर सेल्फ करना है। सेल्फ करके इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रीलोड करेंगे आप, तो जो ट्विटर है वो इसी विंडो में रिडायरेक्ट होगा। ओके, सो एक ये है, एक दो पैरामीटर हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें तीसरा पैरामीटर ऐड करते हैं जो कि हमारा है फीचर। सो मैं यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ, हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है बट फिर भी डिफ़ॉल्ट के भरोसे कभी नहीं रहना है जब आप काम कर रहे हो वेब डेवलपमेंट की। यहाँ फीचर देते हैं, हाइट दे देते हैं इसको इक्वल, मैंने 400 या 400 हाइट दिया, और इसको विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 600, और हमारा ये काम हो गया। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश कर, देखिए मैंने लिंक दे दिया है कि क्या लोड करना है, ब्लैंक में यानी कि न्यू विंडो में ओपन होना है, देन ये हाइट और ये विड्थ हम लोगों ने दे दिया है। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको कॉपी पाथ किया, कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करते हैं देखिए अब ये न्यू विंडो में ओपन होने लगा। हाइट और विड्थ जितना आपने स्पेसिफाई किया है, जितना आपने फीचर दिया है, इसको उतना ही ये दिखा रहा है आपको। तो आप लोगों ने ये बहुत बार देखा होगा, जब खास करके तब जब कोई ऐसा बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जब आप ओपन करते हैं तो साथ में इस तरीके का बहुत सारा विंडो ओपन होने लगता है, इसमें एडवर्टीजमेंट रहता है, खास करके शादी वाले एडवर्टीजमेंट रहते हैं और दूसरे टाइप के एडवर्टीजमेंट इस तरीके के विंडो में ओपन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ से आप कर सकते हैं कि जैसे ही पेज लोड हो साथ में ये भी ओपन हो, एक अलग विंडो ओपन हो जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट या फिर जो चीज़ें आप ओपन करवाना चाहते हैं, जो चीज़ें यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अचीव आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि न्यू विंडो ओपन हो ब्लैंक, यानी कि कुछ भी लोड ना, तो आपको सिर्फ ये हटाना है, सेव करना है, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो आई गेस हो जाना चाहिए। रिफ्रेश किया तो ये हमारा ओपन हो, लेकिन ये ब्लैंक है। अब आप ये भी चाहते हैं कि ब्लैंक ना हो बल्कि हमारा एक कुछ कंटेंट यहाँ दिखाई दे, तो कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखिए, यहाँ आपको न्यू विंडो किस में करना है, न्यू विंडो में करना, तो न्यू विंडो का ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ बना के रखा हुआ है पहले से, ये वाला डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि मैं इसमें लिखने वाला हूँ, और यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो आपके नए विंडो में डिस्प्ले होकर राइट होकर आपको दिखाई देगा। सो मैं न्यू विंडो हूँ, सेव किया इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, साथ में जो आपने कंटेंट लिखा है वह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये भी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी कई बार, ये खास करके ये बहुत छोटे में आता है, इतना छोटा लोड होता है आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा। और लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, वो बस एसईओ बढ़ाने के लिए लोग साइट अटैच कर देते हैं अपना सेकेंडरी साइट इसमें, ताकि बार बार वो लोड हो, रिफ्रेश हो और इम्प्रेशन बढ़े। एक नया फीचर ऐड करेंगे हम लोग इसमें, स्क्रॉल बार। सो उसके लिए हमें एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए होगा या फिर इसमें बहुत सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट लिख देते हैं। मैं अपना वेबसाइट लिख देता हूँ https://www.geekyshows.com ऊपर सब कुछ, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ये हटाना पड़ेगा हमें, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो एक नया विंडो ओपन हो रहा है, इसमें मेरा वेबसाइट लोड हो रहा है, साथ में इसमें स्क्रॉल बार है। मैं चाहता हूं कि ये स्क्रॉल बार ना आए, फॉर एनी रीज़न ये स्क्रॉल बार ना आए। तो इसके लिए आप फीचर ऐड कर दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए इसमें कि स्क्रॉल बार, यहाँ पर फीचर वाले में आकर कॉमा देना है, देन स्क्रॉल बार एस लगाना है इक्वल नो। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा, आपका वेबसाइट भी ओपन होगा। लेकिन ओके, इसमें तो स्क्रॉल बार आ रहा है। ओके, एक बार चेक करते हैं। आई गेस ये गूगल क्रोम में काम नहीं करता है मेरे ख्याल से। स्क्रॉल बार्स इक्वल नो लिखा तो हमने ठीक है, बट आई गेस इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो गूगल क्रोम के साथ नहीं है। तो हम लोग करते ये हैं कि इसको मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करते हैं। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद इसको मोजिला हमारा ओपन हो जाए जल्दी से। ओके सर, फायरफॉक्स हमारा ओपन हो गया। इसमें पेस्ट एंड गो करते हैं और एक नया विंडो इसमें ओपन होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पर हमारा वेबसाइट भी ओपन हुआ, लेकिन इसमें कहीं स्क्रॉल बार नहीं है। सो गूगल क्रोम में ये काम नहीं करता है, मैं आपको बता दूँ। ये यहाँ काम कर रहा है फायरफॉक्स में। हम लोगों ने एक फीचर दे दिया कि स्क्रॉल बार नहीं आएगा फॉर एनी रीज़न। ओके, सिमिलरली अगर आप टूल बार नहीं चाहते हैं तो आप टूल बार नो कर दीजिए, लेकिन ये भी फायरफॉक्स में आई गेस काम करेगा। तो आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करिए कि कौन सा फीचर किस में काम करता है, किस में सपोर्ट करता है। और चीज़ें लेटेस्ट आ रही हैं, मतलब नया ब्राउज़र अपडेट होता है तो चीज़ें छूटती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं। पता नहीं कौन किस में काम करता है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं इन सब चीज़ों का। हमारे पास बेहतर अल्टरनेट मौजूद है इन सब चीज़ों के लिए, बट सीखने के लिए कि ओपन होता है और इसमें भी इस तरीके से फीचर डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन उपाय। सो ओपन का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म करते हैं और बात करते हैं क्लोज की। क्लोज मेथड की बात करते हैं। वंस अ विंडो इज़ ओपन, द क्लोज मेथड इज़ यूज टू क्लोज इट। It closes the current window or the window on which it was called. This method is only allowed to be called for windows that were opened by a script using the window.open method. यानी कि window.open method का यूज़ करके जो आप विंडो ओपन करते हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं। It is often used together with open method. यानी कि open method यूज़ करके जो आपने विंडो ओपन किया है उसको आप क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा कोड लिखना है, विंडो डॉट क्लोज। एग्जाम्पल, एक न्यू विंडो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये तो मैंने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इसको मैंने। एक्चुअली मैंने फंक्शन बना दिया है ट्री, ये आपका इवेंट के लिए। सो एक बटन बना देते हैं हम लोग, उसमें ये इवेंट लगा देते हैं, ये हैंडलर लगा देंगे कि ओपन विंडो। तो एक बटन से क्लिक करने पर विंडो ओपन होगा, एक बटन से क्लिक करने पर विंडो क्लोज होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपल से एग्जांपल देखते हैं हम लोग कोड में। हम लोग दो इवेंट नहीं देखेंगे, सिर्फ एक इवेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा जो ये कोड है ये एक विंडो ओपन करेगा, लेकिन क्लोज करने के लिए हम लोग एक नया हमारा जो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अपना वेबसाइट आप अपने IP पे बार बार नहीं देख सकते, ठीक है, वरना हो जाएगा गड़बड़। सो इसको भी हटा देते हैं, इतना ही फीचर रखते हैं। और हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक्चुअली में हमारा इवेंट हैंडलर का काम करेगा। सो फंक्शन, और इसका नाम देते हैं हम लोग एग्जिट। नाम बढ़िया। एग्जिट लिखने के बाद हम लोगों को क्या होना चाहिए, ये जो न्यू विंडो हमने बनाया है, न्यू विंडो, ये क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लोज हो गया। अभी इसको हमें अटैच करना पड़ेगा। तो कहाँ अटैच करेंगे, एक बटन बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले बटन बना लेते हैं। बटन लिखा मैंने, बटन में लिख देते हैं क्लोज न्यू विंडो, और यहाँ C लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोगों को लिख देना है एक ID क्लोज बढ़िया ना। आईडी नाम मैं अजीब अजीब आगे रख रहा हूँ, लेकिन हमें ये सारी चीज़ देखनी चाहिए। सो क्लोज मैंने नाम रखा हुआ है और इसको हम लोग क्या करना है, अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा आईडी क्या है, हमारा आईडी है क्लोज, और इसमें एड इवेंट लिसनर हमें कर देना है क्या, क्लिक होने पर, यानी कि क्लिक हमारा इवेंट टाइप है, और ये होने पर क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट जो हमारा हैंडलर है ये कॉल होगा। सेव करेंगे आप, पहले कोड समझ लीजिए पूरा। एक बटन बनाया है जिसका आईडी मैंने क्लोज रखा हुआ है, इस बटन का नाम है क्लोज न्यू विंडो। स्क्रिप्ट टैग है वायर न्यू विंडो विंडो डॉट ओपन, यानी कि जो भी विंडो ओपन होगा वो 400 हाइट में और विड्थ में 600 होगा, और उसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसमें क्या लोड होगा, twitter.com लोड होगा। हमने एक हैंडलर बनाया है, एक्चुअली में ये फंक्शन है जिसका नाम हमने एग्जिट रखा हुआ है, और ये क्या करेगा, ये क्लोज करेगा, जो भी ओपन हुआ है उसको ये क्लोज कर देगा। और ओपन क्या हुआ, ओपन हमारा ये न्यू विंडो हुआ, तो हम लोगों ने न्यू विंडो में ये क्लोज मेथड लगा दिया हुआ। अभी ओपन होने के लिए, सॉरी क्लोज होने के लिए, ओपन तो इससे हो जाएगा, लेकिन क्लोज होने के लिए हम लोगों ने एक इवेंट यहाँ बनाया हुआ। सो जब भी बटन पे क्लिक होगा, एग्जिट ये वाला हैंडलर चलेगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और आपका जो विंडो ओपन हुआ है क्लोज हो जाएगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, देखिए अभी आपका ये ओपन हो गया। आप जब इसमें क्लिक करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि ये तो नीचे चला गया। सो दोनों ही विंडो साथ साथ दिखना चाहिए। देखिए यहाँ जब आप यहाँ क्लिक करेंगे क्लोज न्यू विंडो में, तो ये जो विंडो आपका क्लोज हो जाता है। फिर से रिफ्रेश कीजिए, फिर से नया विंडो आपका ट्विटर के साथ ओपन होगा, और क्लोज न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो बंद हो जाएगा। तो ये है आपका क्लोज विंडो काम करने का तरीका। अब इसी तरीके से अगर आप ब्लैंक भी क्रिएट करते हैं, मतलब उसमें कुछ भी लिखा ना हो, ब्लैंक रहे, तो भी ये सेम तरीके से काम करेगा। अभी तो हमारा ये ट्विटर ओपन हो रहा है, मान लीजिए कि ट्विटर नहीं है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद फायरफॉक्स रिफ्रेश, ये ब्लैंक हमारा ओपन हुआ। इसमें क्लोज में क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ कहीं भी नहीं है, ठीक है, आप लोग रखना नहीं है मन में कि ये नीचे हो जाता है। ओके सो इसको ऐसे रहने देते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब ब्लैंक बनाते हैं तो ब्लैंक तो बनाएंगे नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्टेंट लिखेंगे। तो चलिए कॉन्टेंट लिख देते हैं। कॉन्टेंट न्यू विंडो, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें कुछ कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट हमारा है मैं न्यू विंडो हूँ, मैं न्यू विंडो का कंटेंट हूँ, ऐसा मैंने लिख दिया। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली इसको नीचे करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ये ओपन हुआ, इसमें मेरा कंटेंट लिखा हुआ है कि मैं न्यू विंडो का कंटेंट हूँ। आप क्लोज में क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ईजिली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वह यह है कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो इसको आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। और क्लोज़ करने के लिए आपको अपना जो विंडो क्लोज़ करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कुछ ब्राउज़र सोचेंगे कि अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट लिखना बाकी है और वो पेज लोड होता रहेगा। इसीलिए आपको जब भी आप अपना कॉन्टेंट लिखते हैं लाइक दिस, आपको क्लोज़ करने से, यानी कि विंडो क्लोज़ करने से पहले यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कैसे करेंगे, आपको लिखना है न्यू विंडो, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है न्यू विंडो का वो लिखना है, देन डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर आपको क्लोज़ मेथड लगाना है। सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ रिफ्रेश कीजिए। काम तो सेम करेगा, आपको कुछ भी यहाँ असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन बैकग्राउंड में अब कोई भी ब्राउज़र ये नहीं सोचेगा क्लोज़ होने के बाद कि मुझे कुछ और कॉन्टेंट लिखना था, और पेज आपका लोड होता नहीं रहेगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्लोज़ करते हैं विंडो को, तब कंटेंट लिख कर। ओके गाइस, सो यही आपका ओपन और क्लोज विंडो ऑब्जेक्ट का होपफुली सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।